स्वागत करते हैं, वेलकम सुमदी जब सब लोगों को हमारे चैनल अफान एक्टर्स में। उम्मीद करते हैं सब लोग बड़े होंगे, खुश होंगे, अच्छे मूड में होंगे। मैं आपका कस कुदरत सलाफान और आप लोग की वीडियो लेकर आए हैं। अरे बहुत अच्छी वीडियो है, अफगानी पाकिस्तान मेरे कर लाहौर मेरे कर इंडियन की जीत को सेलिब्रेट करते हैं। बहुत अच्छी वीडियो, पाक मीडिया क्राइंग कुछ तरह सीन है। अफगान फैन सेलिब्रेट इन लाहौर आफ्टर इंडिया इन वर्ल्ड कप फाइनल। तो उस वीडियो आवाज करेंगे, देखते हैं क्या सीन है। माइक्रोस प्लेयर चैनल वाटर जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ मुझे बेल आइकन है उसी पे लाइव वीडियो क्या करें। अगर मैं सोशल साइट फॉलो नहीं किया प्लीज फॉलो द Instagram, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो लोग चेक कर सकते हैं। स्टार्ट, ओके स्टार्ट। ओहो डोंट यार, आपको क्या लग रहा था, क्योंकि आप अफगानिस्तान से अफगान टीम को सपोर्ट भी कर रहे हैं? अल्लाह करे वो हमारे बहुत दुआ है उनके साथ, इंडिया जीत जाए। आपका ओपिनियन नहीं है कि नहीं है, अगर कोई ये कह रहा है कि अरेंजमेंट इस तरह हुआ है कि इंडिया फेवरेट, तो गलत कह रहा है। ठीक है, आपका ओपिनियन हो सकता है। मेरी राय है कि ये फजूल डिबेट कर रहे हैं हम लोग, नहीं है कि नहीं है, फेवर कर रहे हैं कि अफगानिस्तान के फैंस टीम को ग्राउंड में हरा रहे, जो अच्छा करे वो अच्छी टीम। आईसीसी उनको फेवर कर रही है, नहीं कर रही सर। आईसीसी कब इंडिया, क्योंकि इंडिया के टीम बहुत स्ट्रांग है और इंडिया जीत जाएगी। इंडिया को सपोर्ट कर रहा हूँ। इंडियन जो है ना वो तो कहते हैं ना खुलम खुला जी हम आपके दुश्मन हैं, या जो भी वो कहते हैं। ये जो है ना ये मुनाफिक लोग हैं। हम लाखों अफगानियों को पाकिस्तान में पनाह दे भी थे, आपको पता है ना, यही लोग हैं जो पीठ में छुरा घोंपने वाले हैं। हम लोगों ने इनको अपने मुल्क में पनाह दे भी है। ये इस वर्ल्ड कप को ना सोचे, आप पीछे से पहले भी हुआ है, इससे पहले भी हुआ ही जाते हैं, कहते हैं हम दुबई के अलावा लोन नहीं रखे। एक सेकंड बात सर, बीसीसीआई जो है ना वो आईसीसी है इस टाइम पे। मुझे बात खत्म की बात मानने के बाद सबको पता है, आप बीसीसीआई जैसे आर्गुमेंट करें, कोई गलत डिबेट है, पीसीबी की और बाकी बोर्ड की कमजोरी है, हिम्मत नहीं है। बोर्ड बिल्कुल सही करे ना, डिबेट करे ना, एशिया कप के सारे मैच कोलंबो में, तो सारे एक पेज बना मेरा। दुबई ये विनर तो माइकल वॉन किए, जो बाकी लोग किए। दुबई वर्ल्ड कप किसके हाथ आएगा? इंडिया के। क्यों जी, बाकी आपको नौ टीमें नजर नहीं आ रही? नहीं, इंडिया ने खरीदा सारा वर्ल्ड कप, इंडिया ने खरीदा हुआ। आप कहते हो इंडिया ने खरीदा, लेकिन उसके खिलाड़ी जो परफॉर्म करते हैं आप उनके परफॉर्मेंस की दाद नहीं देते। आप देखते नहीं हो कि उनके बल्लेबाज कितने अच्छे हैं, उनके बॉलर्स कितना अच्छी बॉल करा रहे हैं। आप बस हार जीत में टोटल स्कोर देखते हो, अच्छा इंडिया कितने इतने विकेट से जीत गए तो चलो जी ये फिक्स हो गया, कुछ तो कर रहे हैं। ये तो भाई फिरंगियों ने चुराया कोहिनूर और हमने लूट ली उनकी इज्जत, सबका बदला लिया 2022 का, 23 का, ऊपर का, नीचे का, दादा का, पुप्पी का, मामा का, चाचा का, और लास्ट में जाके भाई हमारे पड़ोसियों के नाजायज बाप की इज्जत ही लूट ली। मजा आ गया भाई, वेल डन हिंदुस्तान, वेल डन हिंदुस्तान, कांग्रेचुलेशन भाई, भाइयों कांग्रेचुलेशन, प्राउड ऑफ यू फ्रॉम अफगानिस्तान, लव यू यार। दोस्तों मैच शुरू होने से पहले पाकिस्तान मीडिया में ये चर्चा हो रहा था इंग्लैंड तो आसानी से भारत को हरा देगा, क्योंकि 2022 में जिस तरह से इंग्लैंड 10 विकेट से भारत को हराया था, पाकिस्तानी ये उम्मीद कर रहे थे कि आज भी ऐसा ही होगा, ताकि वो मैच खत्म होने के बाद भारत का मजाक उड़ा पाए कि तुम ट्रॉफी नहीं जीत पाए और आखिर एक एंड पर नहीं। लेकिन ऐसा को हरा कर 2022 का बदला पूरा किया, लेकिन इस बात को लेकर पाकिस्तान में रोना धोना चल रहा है। दोस्तों आप आखिर तक ये वीडियो को एंजॉय करिए, मैं मिलूंगा आखिर में, और आप सबसे रिक्वेस्ट वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत बैठकर ये वीडियो मैं आप सबके लिए लाया हूँ, तो आप सबका लाइक तो एक बनता है। न्यूयॉर्क में मैच हुए तो हम बात कर रहे हैं, अब सारे मैच लाहौर में हो रहे हैं तो ये बात नहीं कर रहे हैं। वो उन्हीं की डिमांड है, वो एक ही जगह चाहते हैं, नहीं जिनकी डिमांड है ये, तो वो एक जगह चाहते हैं, ट्रैवल नहीं करना चाहते। कौन को कंफर्ट कर दिया गया इन राइटिंग, उन्होंने बोली है ये बात, उनके कंफर्ट के लिए किया है कि वो ट्रैवल नहीं करना चाहते। उनके कंफर्ट के लिए हो जाए वो गलत है, और लाहौर में हो जाए तो वो सही है। नहीं ये किस चीज से मिला रहे हैं, पाकिस्तान का फैक्टर भी बड़ा लगे ना, सिक्योरिटी कंसर्न्स है, ट्रैवल के इशू है, सारे पाकिस्तान क्या कर रहे हैं,
पाकिस्तान तो उनको लाने के लिए उनको ऑप्शन दे रहा है ना सारे, ये तो बिल्कुल दिल को बड़ी तसल्ली मिली इन अंग्रेज चमचों को आज हरा कर इतने बड़े मार्जिन से, वो भी सेमीफाइनल में गजब का कहर वाला डंडा मारा है इनको। मजा आ गया भाई साहब, मजा आ गया। और अब तो आप लोगों को एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशन कि भाई ये वर्ल्ड कप जो है हिंदुस्तान के नाम है और ये कप हिंदुस्तान ही आएगा, वो भी रोहित शर्मा की सरपरस्ती में। भैया आज जो ये टारगेट जो हिंदुस्तान ने बनाया 171, ये टारगेट नहीं था, ये पहाड़ था, पहाड़ जो इंग्लैंड के आगे खड़ा हुआ इस पिच के ऊपर सबके बदले ले लिया भाई साहब। कॉन्ग्रेचुलेशन, मुबारक मशा, यानी कि कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो, बहुत 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 ज्यादा बधाई हो। ये जब अफगानिस्तान सेमीफाइनल तक पहुंची है तो बहुत बड़ी। तो वीडियो अच्छा पठान भाई की भी इन्होंने वीडियो ऐड किया था इसमें। बाकी एक क्या कहते हैं, अगर देखी जाए इंडिया ने बोली, पहले तो अफगानी की बात करते हैं, अफगानी की बात करते हैं क्योंकि अफगानी दुनिया के हर कंट्री में रहते हैं, सनी के इंडिया में नहीं रहता है, पाकिस्तान ये बात सच, हर कंट्री में रहता है, तो वो सेलिब्रेट करते हैं इंडियन की जीत को, वहाँ अभी भी सेलिब्रेट करते हैं। तो देखो क्या आप लोग कहते हैं कि अफगानी वो फिर भी इंडिया को वहां बेचाते हैं, इस तरह के बंदे को कहा, उन्होंने कहा कि भाई इंडिया जीत जाए क्योंकि वो डिजर्विंग कर रहा है। इंडिया की बात अलग, कुछ अलग ही है, कुछ अलग लेवल की क्रिकेट खेल रहे होते हैं, जस्ट डिजर्विंग टीम है। ये बात जो है यार एक को माननी चाहिए, क्योंकि जिस तरह अंदर से आप लोगों ने देखा रोहित क्या खेल रहा होता है, सूर्या क्या खेल, बॉलिंग क्या करते हैं यार वो लोग, कोहली की परफॉर्म जो है अभी तक खराब, बुमराह की बॉलिंग, बुमराह देखो वो क्या नाम है, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, लेकिन एक चीज है साउथ अफ्रीका भी बहुत अच्छी टीम है, उसको भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। बाकी बहुत सारे पाकिस्तानी देखे कि वो कहते हैं सपोर्ट करते हैं, इंडिया को सपोर्ट करते हैं, कहते हैं वो यार वो टीम अच्छी टीम है, बिल्कुल अच्छी और हर जगह में हमेशा उठते हैं हर जगह, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी है जो इस तरह मेरी सेमीफाइनल जलन के मारे हम लोग सेमीफाइनल हार गए, ये लोग अभी तक ट्रोल कर रहे हैं भाई यार। चीज अभी ये लोग कह रहे हैं कि ना आईसीसी फेवर कर रही है इंडिया टीम की, मैं देखूं पीसीबी क्या फेवर नहीं करेगी इंडिया को लाने के लिए अपनी चैंपियंस ट्रॉफी में, मैं देखूं जब इंडिया जो भी कहेगा पीसीबी वाले मानेगा, क्योंकि वो किसी भी तरीके से ये चाहता है कि इंडियन टीम पाकिस्तान आ जाए और कोई भी बात मानेगा, बेगम रहो टेंशन, नो टेंशन। बाकी ये वीडियो अगर पसंद आए प्लीज वॉच फॉर फॉरवर्ड, साथ में जो बेल आइकन है उसे लाइक करिए, तुम तक चलेंगे सब मिल रहा है। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय।